नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। शिवसेना के बागी गुट के विधायक और फिलहाल शिंदे सरकार में मंत्री संदीपन भुमारे ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे का एक और विधायक उनका साथ छोड़ने वाला है, तो एक शख्स ने आदित्य ठाकरे के नाम पर फोन करके पैसे मांगे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि फोन करने वाले ने 25,000 रुपए की डिमांड की थी। वहीं नासिक जिले के गांधीनगर स्थित कॉम्बेट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल यानी कैट्स के अधिकारियों ने परिसर के ऊपर ड्रोन उड़ते देखा। घटना के बाद हड़कंप मच गया। तो उधर एनसीपी नेता विद्या चौहान का बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा कि कोश्यारी जी, कंबोज सोमैया जैसे लोगों को मुंबई से बाहर भगा, इससे यहाँ की गंदगी साफ हो जाएगी। इसी बीच मुंबई से रत्नागिरी जा रही एसटी बस के निजी बस से टकराने की खबर है। इस हादसे में एक दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं, कुछ को गंभीर चोटें भी लगी है। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शिवसेना के बागी गुट के विधायक और फिलहाल शिंदे सरकार में मंत्री संदीपन भुमरे ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। इसके मुताबिक उद्धव ठाकरे का एक और विधायक उनका साथ छोड़ने वाला है। मंत्री का दावा है कि इस विधायक ने सीएम शिंदे और उनसे मुलाकात भी की है। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत करके महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार गिरा दी थी। इस दौरान शिवसेना के करीब 50 विधायक शिंदे गुट के साथ चले गए थे। शिंदे सरकार में रोजगार गारंटी और हॉर्टिकल्चर मंत्री भुमारे औरंगाबाद के पैथन में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक और विधायक बहुत जल्दी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देगा। भुमारे मंत्री बनने के बाद पहली बार पैथन पहुंचे थे। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि उनकी सभा में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, कई खाली कुर्सियां नजर आ रही थी। हालांकि इस दौरान इससे ज्यादा चर्चा भुमारे द्वारा किए गए दावे की होती रही। वही हाल में नेता प्रतिपक्ष बने शिवसेना के एमएलसी अंबादास दानवे ने कहा, भुमारे की सभा में 50 लोग भी नहीं थे। सबसे पहले उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। औरंगाबाद जिले के पैथन से विधायक है, वह 5वीं बार के विधायक है और एमवीर सरकार में भी यही पोर्टफोलियो संभाल रहे थे। भुमारे की इलाके में शुगर फैक्ट्रीज है। महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर घमासान जारी है। शिंदे गुट उद्धव ठाकरे गुट पर लगातार हमलावर है, तो उद्धव गुट की ओर से आदित्य ठाकरे ने कमान संभाल रखी है। जगह जगह उन्हें भारी समर्थन भी मिल रहा है। इस समर्थन से मातोश्री की उम्मीदें बढ़ गई है। इस बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक शख्स ने आदित्य ठाकरे के नाम पर फोन करके पैसे मांगे। यह पैसे युवा सेना के एक कार्यकर्ता से मांगे गए थे। एक अधिकारी ने बताया कि फोन करने वाले ने 25,000 रुपए की डिमांड की थी। दादर के रहने वाले शख्स के मुताबिक उसे एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई थी। व्हाट्सएप डीपी में आदित्य ठाकरे की फोटो लगी हुई थी। यह देखकर वह शख्स भी हैरान रह गया था। इसके बाद फोन करने वाले ने 25,000 रुपए मांगे। उसने कहा कि वह अपने एक दोस्त की मदद करना चाहता है और अगले दिन पैसा वापस कर देगा। उसकी बात सुनते ही फोन रिसीव करने वाले को इस बात का आभास हो गया कि यह एक फेक कॉल है। इसके बाद इस व्यक्ति ने इस बारे में स्थानीय शिवसेना ऑफिस में भी जानकारी दी। इस बारे में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि यह फोन नंबर उत्तर प्रदेश का हो सकता है। पुलिस इसे राजनीतिक मामला न बताते हुए धोखाधड़ी करने वाले गिरोह की करामत बता रही है। नासिक जिले के गांधीनगर स्थित कॉम्बेट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल यानी कैट्स के अधिकारियों ने परिसर के ऊपर ड्रोन उड़ते देखा। हड़कंप मच गया। आनन फनन में मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। एक अधिकारी ने बताया कि यह ड्रोन बहुत थोड़े समय के लिए दिखा और इसके बाद गायब हो गया। उन्होंने बताया कि यह ड्रोन नासिक पुणे राजमार्ग के किनारे स्थापित परिसर के ऊपर गुरुवार रात लगभग 10 बजे दिखा, लेकिन इस प्रमुख संस्थान के सुरक्षा कर्मियों द्वारा कार्रवाई करने से पहले ही गायब हो गया। अधिकारी ने बताया कि कैट्स के अधिकारी ने मामले में उपनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और विस्तृत जांच शुरू हो गई है। उल्लेखनीय है कि कैट्स में सेना के विमानन चालक दल के सभी सदस्यों को लड़ाकू विमान उड़ाते और जमीनी कार्रवाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। ड्रोन को लेकर सरकार और सेना पहले से ही चौकन्ना है। खासकर बॉर्डर वाले इलाके में ड्रोन उड़ाने को लेकर कई तरह के प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में कई पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं, जिन्हें हथियार और गोला बारूद गिराने के मकसद से भेजा गया था। जांचकर्ताओं ने बताया कि इस साल कश्मीर घाटी में इस तरह के 2 दर्जन से अधिक ड्रोन दिखाए गए हैं। पिछले साल अक्टूबर से 15 जुलाई के बीच
सुरक्षा बलों ने पंजाब में 300 किलोग्राम हीरोइन, 1.98 किलोग्राम 48 हथियार, 553 गोलियां, 4.750 किलोग्राम सैन्य ग्रेड RDX विस्फोट और भारतीय नोट ले जा रहे 6 पाकिस्तानी ड्रोन जब्त किए गए थे। महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। एक तरफ शिंदे गुट और उद्धव खेमे के बीच जुबानी जंग शुरू है, तो दूसरी तरफ भाजपा और NCP के बीच भी जंग जारी है। इसी बीच NCP नेता विद्या चौहान के एक बयान से हड़कंप मच गया है। उन्होंने कहा कि कोश्यारी जी, कंबोज सोमैया जैसे लोगों को मुंबई से बाहर भगाओ, इससे यहाँ की गंदगी साफ हो जाएगी। NCP की महिला प्रदेश अध्यक्ष विद्या चौहान ने कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि अगर गुजराती और राजस्थानी मुंबई छोड़ देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। हम उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते, मोहित कंबोज किरीट सोमैया जैसे लोगों को मुंबई से बाहर भगा दे। ये लोग महाराष्ट्र का अपमान करते हैं, उनका यहाँ कोई काम नहीं है। वो जाएंगे तो हमारे मुंबई की गंदगी साफ हो जाएगी। चौहान ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उन्हें दिल्ली ले जाना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। वे यहाँ रहकर सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। सोलापुर में कंबोज के विरोध में आयोजित एक आंदोलन में चौहान ने यह तीखा प्रहार किया। उन्होंने कंबोज से सवाल पूछा कि क्या आप किरीट सोमैया के बाप बने रहे हो। इससे पहले उन्होंने चुनाव का एक हिस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के ज्यादातर नेताओं को मैं जानती हूँ, लेकिन मोहित कंबोज कौन है मुझे नहीं पता, वे मुझसे परिचित नहीं है। मुंबई से रत्नागिरी जा रही ST बस के निजी बस से टकराने की खबर है। इस हादसे में एक दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं, कुछ को गंभीर चोटें लगी है, सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा उस समय हुआ जब एक प्राइवेट ट्रेवल्स की यात्री बस ने मुंबई के बोरीवली से रत्नागिरी जिले गुहागर तालुका में उमराट गांव में गणेशोत्सव के लिए जा रही ST बस को टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक हादसे में 3 बच्चों समेत 16 यात्री घायल हो गए। इसमें 7 से 8 लोगों के सिर और मुंह पर चोट लगी और अन्य मामूली रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा सुबह 6:30 बजे पिंपर जामसूद रोड पर जामसूद बॉर्डर पर हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ST बस के यात्री नाला सोपारा से गुहागर तालुका गणेश उत्सव के लिए जा रहे थे। ट्रेन में सीट नहीं मिलने की वजह से उन्होंने ST बस बुक, लेकिन पहुंचने से पहले ही उनकी बस दुर्घटना का शिकार हो गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि प्राइवेट बस और ST बस की टक्कर ड्राइवर की तरफ से हुई, जिससे बस में सो रहे यात्रियों को तगड़ा झटका लगा। हादसे के बाद ट्रैवल्स का चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। गुहागर ग्रामीण अस्पताल से एक मेडिकल टीम भी हेदवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंची। गुहागर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि दुर्घटना स्थल से फरार हुए प्राइवेट ट्रैवल्स की बस की जानकारी नहीं मिली है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी NEET PG की काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो राजस्थान के उदयपुर में सोने की लूट की बड़ी घटना हुई है। मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड से बंदूक की नोक पर 5 लोगों ने 12 करोड़ रुपए की 24 किलोग्राम से अधिक सोने की ज्वेलरी लूट ली। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान उल्लेख किया है कि एक इकाई के तौर पर परिवार की असामान्य अभिव्यक्ति उतनी ही वास्तविक है जितनी कि परिवार को लेकर पारंपरिक व्यवस्था। तो उधर शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर चल रही CBI जांच से आम आदमी पार्टी की पहले ही काफी किरकिरी हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में शिक्षा घोटाला हुआ है। इसी बीच वरिष्ठ राजनेता गुलाम नबी आजाद ने फिर कांग्रेस पर पलटवार किया है। आजाद ने गांधी परिवार के साथ साथ जयराम रमेश जैसे कांग्रेसी नेताओं को भी जवाब दिया है। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी NEET PG की काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NEET PG परीक्षा की काउंसलिंग किसी हालत में नहीं रोकी जानी चाहिए और न ही छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जाएगा। कोर्ट की यह टिप्पणी एक वकील द्वारा NEET PG 2022 को लेकर दाखिल की गई याचिका पर आई है। NEET PG की काउंसलिंग रोके जाने संबंधी याचिका पर आज सुनवाई करते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दरअसल याचिका में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज NEET PG की आंसर की और प्रश्न पत्र जारी नहीं किए जाने का विरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने रिजल्ट में गंभीर विसंगतियों का आरोप लगाया है। इससे पहले 8 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगानी जाएगी।
बता दें कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट पीजी की काउंसलिंग 1 सितंबर से होगी। नीट पीजी के नतीजे 1 जून को जारी किए गए थे। नीट पीजी की काउंसलिंग के लिए तारीखें 10 अगस्त को जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि नीट पीजी की काउंसलिंग 1 सितंबर से शुरू होगी। पहले राउंड की नीट पीजी की काउंसलिंग के लिए 1 सितंबर से 4 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। राजस्थान के उदयपुर में सोने की लूट की बड़ी घटना हुई है। मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड को बंदूक की नोक पर 5 लोगों ने 12 करोड़ रुपए की 24 किलोग्राम से अधिक सोने की ज्वेलरी लूट ली है। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में आज सुबह मन्नापुरम गोल्ड लोन बैंक में 5 नाकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक पर आए हथियारों से लैस इन बदमाशों ने बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाया और 23.45 किलोग्राम सोना व 11 लाख रुपए कैश लेकर भाग गए। इलाके में अफरा तफरी मचने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी करवाने के आदेश दिए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुबह करीब 10:45 बजे 5 बदमाश नकाब पहने और हेलमेट लगाए अंदर घुसे थे। बाद में उन्होंने नकाब भी उतार दिया। बैंक कर्मचारियों को रिवॉल्वर की नोक पर बंधक बना दिया। लॉकर की चाबी जिस कर्मचारी के पास थी उसे लॉकर में ले गए और सोना व कैश लूट वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने एक ग्राहक को भी बंधक बनाया था। बैंक अधिकारियों के मुताबिक 23.45 किलोग्राम सोना और 11 लाख रुपए की कैश लूटी हुई। पुलिस के अनुसार करीब 24 किलो सोना व 10 लाख रुपए लूटने की प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है। स्टाफ के सदस्यों ने छूटते ही घटना की सूचना दी। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यालय के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक संबंध घरेलू अविवाहित या समलैंगिक रिश्ते के रूप में भी हो सकते हैं। साथ ही अदालत ने उल्लेख किया है कि एक इकाई के तौर पर परिवार की असामान्य अभिव्यक्ति उतनी ही वास्तविक है जितनी कि परिवार को लेकर पारंपरिक व्यवस्था, यह भी कानून के तहत सुरक्षा का हकदार है। कोर्ट ने कहा कि कानून और समाज दोनों में परिवार की अवधारणा की प्रमुख समझ है कि इसमें एक माँ और एक पिता और उनके बच्चों के साथ एक एकल अपरिवर्तनीय इकाई होती है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने एक आदेश में कहा कि यह धारणा दोनों की उपेक्षा करती है। कई परिस्थितियां जो किसी के पारिवारिक ढांचे में बदलाव ला सकती है, यह तथ्य कि कई परिवार इस अपेक्षा के अनुसार नहीं है। पारिवारिक संबंध घरेलू अविवाहित सहजीवन या समलैंगिक संबंधों का रूप ले सकते। एएससी की टिप्पणियों अहम है। 2018 में समलैंगिकता को शीर्ष अदालत की ओर से अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया था। इसके बाद से ही कार्यकर्ता एलजीबीटी के लोगों के विवाह और सिविल यूनियन को मान्यता देने के साथ साथ लिव इन जोड़ों को गोद लेने की अनुमति देने के मुद्दे को उठा रहे हैं। न्यायालय ने कहा है कि कई कारणों से एकल माता पिता का परिवार हो सकता है। यह स्थिति पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाने, उनके अलग अलग रहने या तलाक लेने के कारण हो सकती। शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर चल रही सीबीआई जांच में आम आदमी पार्टी की पहले ही काफी किरकिरी हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में शिक्षा घोटाला हुआ है। भाजपा का आरोप है कि टेंडर में गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है। 2400 क्लासरूम की जगह 7180 से ज्यादा क्लासरूम दिखाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सीवीसी की रिपोर्ट के हवाले से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में नई दिल्ली में 500 नए स्कूल बनवाने का वादा किया गया था, लेकिन पूर्व से तय योजना के मुताबिक नए स्कूल नहीं बने हैं। पूर्व नियोजित तरीके से उन्होंने पीडब्ल्यूडी से रिपोर्ट मांगी। अरविंद केजरीवाल के कहने पर पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अतिरिक्त क्लासरूम बनेंगे और नए स्कूल नहीं बनेंगे। गौरव भाटिया का आरोप है कि निर्माण में आए खर्चे को 50 से 90% तक बढ़ाकर बतलाया गया है। नियमों की अनदेखी की गई है ताकि मुनाफे को देखते हुए चुनिंदा लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सके। सीवीसी की जांच रिपोर्ट काफी गंभीर है जो इस घोटाले को देखती है। यह रिपोर्ट 2.5 साल पहले दिल्ली सरकार के विजिलेंस सचिव को भेजा गया था। गौरव भाटिया ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल एक उगाही मॉडल है, लोग आम आदमी पार्टी को सबक सिखाएंगे। वरिष्ठ राजनेता गुलाम नबी आजाद ने फिर से कांग्रेस पर पलटवार किया है। आजाद ने गांधी परिवार के साथ साथ जयराम रमेश जैसे कांग्रेसी नेताओं को भी जवाब दिया।
पूर्व कांग्रेसी नेता ने राज्यसभा से विदाई के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावुक होने का भी जिक्र किया। बातों बातों में पीएम मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को राज्यसभा में पीएम मोदी की स्पीच में कुछ दिखता है वो सही नहीं है। अगर कोई इतना अनपढ़ और जाहिल है तो वो मोदी की स्पीच पढ़े। आज़ाद ने कहा कि मेरे लिए वो नहीं रोए कि गुलाम नबी जाएगा। उन्होंने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए मैं मोदी जी को समझता था कि बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी नहीं, तो इसका कोई परिवार नहीं है, लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कांग्रेस में और गुजरात के टूरिस्ट बस के अंदर ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, लोग ऑन द स्पॉट मारे गए, किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं। तो जब गुजरात सीएम का फोन आया तो मैं जोर जोर से रो रहा था। मेरे ऑफिस वालों ने फोन कान में दिया और मैंने कहा कि मैं बात नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने मेरे रोने की आवाज़ सुनी। आज़ाद ने कहा कि मोदी तो बस बहाना है। कांग्रेस नेतृत्व को मुझसे तब से परेशानी है जब से G23 ने चिट्ठी ली थी। वे कभी नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई लिखे, सवाल उठाए। कांग्रेस की कई बैठकें हुई लेकिन एक भी सुझाव नहीं लिया गया। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन का समर्थन किया है और एक ट्वीट किया है जिसमें वो डांस करती हुई दिखाई दे रही है। तो एशिया कप 2022 टूर्नामेंट में पाक की हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद अहमद चौधरी का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये टीम की गलती नहीं है बल्कि देश की सरकार दोषी है। तो विज्ञान की दुनिया के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज से एक बार फिर से इंसानों को चंद्रमा पर भेजने का मिशन लॉन्च हो रहा है। तो उधर तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता पर दूसरी बार कब्जा किए जाने के एक साल के बाद एक बार फिर से देश में सिनेमा घर खुलने जा रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान में लाहौर और पंजाब समेत कुछ प्रांतों में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों के खाने के लिए तरस रहे हैं। सब्जी और फलों की कीमतों में भीषण उछाल देखने को मिल रहा है। दुनिया भर की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिनलैंड की 36 साल के प्रधानमंत्री सना मरीन के शराब पीकर दोस्तों के साथ पार्टी करने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कई लोग सना मरीन की आलोचना कर रहे हैं तो कई लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। वहीं अब अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने सना मरीन का समर्थन किया है और एक ट्वीट किया है जिसमें वो डांस करती हुई दिखाई दे रही है। हिलेरी क्लिंटन ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन ने एकजुटता दिखाते हुए कहा कि डांस करती रहो। हिलेरी क्लिंटन ओबामा प्रशासन में अमेरिका के विदेश मंत्री रह चुकी है। उन्होंने जो तस्वीर पोस्ट की है वो साल 2012 की है, तब वो कोलंबिया यात्रा पर थी। उसी दौरान उन्होंने भीड़भाड़ वाले एक क्लब में डांस किया था। उन्होंने लिखा है कि तस्वीर तब की है जब मैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करती थी। इसके साथ ही उन्होंने सना मरीन का समर्थन करते हुए लिखा है कि कीप डांसिंग। वहीं हिलेरी क्लिंटन के इस ट्वीट के जवाब में सना मरीन ने फौरन उन्हें धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया है और लिखा थैंक यू, और इसके अलावा उन्होंने दिल का एक इमोजी भी लगाया। बता दें कि फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन इन दिनों भारी विवादों में घिरी हुई है और शराब पार्टी करते हुए उनके कई वीडियो लीक हो चुके हैं जिससे फिनलैंड की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है और ये मुद्दा राष्ट्रीय बहस बन चुका है कि क्या एक प्रधानमंत्री को पार्टी करने का हक है या नहीं। आखिरकार जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। एशिया कप 2022 टूर्नामेंट भारत पाक मुकाबला केवल एक मैच नहीं था बल्कि रोमांच से भरा खेल था जिसमें आखिरी पल तक नहीं पता था कि मैच का परिणाम किसके पक्ष में आएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दुबई के मैदान में भारतीय शेरों ने पाकिस्तान की पूरी तरह बखिया उधेड़ दी। पाकिस्तान के आगे इंडियन टीम पहले से ही मजबूत थी और ये पूरी तरह से कल के मैच में साबित भी कर दिया गया। सांस रोक देने वाले मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान पर 5 विकेट से जीत दर्ज की, जहां इस जीत से इंडिया के लोग बहुत ज्यादा खुश है, नाच गा रहे हैं, सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के कसीदे पढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के लोगों में मायूसी छाई हुई है। पाकिस्तान की इस हार से वहां का सियासी खेमा भी तिलमिलाया हुआ है। पाक की हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद अहमद चौधरी का गुस्सा चरम पर और उन्होंने इसे पाक की शहबाज शरीफ सरकार पर निकाल भी दिया है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि ये टीम की गलती नहीं बल्कि देश की सरकार दोषी है। उन्होंने देश की सरकार को अनलकी और मनहूस भी कहा। मैच खत्म होने के चंद मिनट बाद ही फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया था जो कि वायरल हो गया। इस ट्वीट पर कुछ लोगों ने उन्हें घेरा भी है और खेल को लेकर इस तरह की बयानबाजी से बचने की नसीहत भी दे डाली है।
विज्ञान की दुनिया के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आज से एक बार फिर से इंसानों को चंद्रमा पर भेजने का मिशन लॉन्च हो रहा है और पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक घटना का साक्षी बनेगी, क्योंकि आज से करीब 53 साल पहले पहली बार इंसानों ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, जब नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पर भेजा गया था। और अब एक बार फिर से नासा इंसानों को चंद्रमा पर भेजने वाला है, जिसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और मिशन का पार्ट एक आज लॉन्च होने वाला है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट अपने लॉन्च पैड पर पहुंच चुका है और आज आर्टिमिस मिशन एक का पहला पार्ट लॉन्च होने वाला है। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित लॉन्च पैड से नासा अपने आर्टिमिस मिशन एक के पहले पार्ट को लॉन्च करेगा, जिसके तहत एक खाली कैप्सूल को चांद की सतह पर उतारा जाएगा। मिशन के पहले पार्ट में किसी इंसान को चांद पर नहीं भेजा जाएगा। इस खाली कैप्सूल का नाम ओरायन है, जो 6 फीट लंबा है। ओरायन कैप्सूल इस मिशन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये 42 दिनों के वापस धरती पर लौट आएगा। पार्ट एक कामयाब होने के बाद पार्ट टू की तैयारी शुरू हो जाएगी। नासा का ये रॉकेट 322 फीट है, यानी 98 मीटर का है, और अपोलो मशीन के 50 सालों के बाद चंद्रमा के दूर इलाके में इसे उतारा जाएगा। नासा का लक्ष्य 2025 में 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर उतारना है। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता पर दूसरी बार कब्जा किए जाने के एक साल के बाद एक बार फिर से देश में सिनेमाघर खुलने जा रहा है। जल्द ही राजधानी समेत देश में कई अन्य जगहों पर सिनेमाघरों में फिल्में दिखाई जाएगी। हालांकि महिला कलाकारों की भूमिका बहुत सीमित कर दी गई है। एक साल बंद रहने के बाद जहां कई लोग अफगान सिनेमाघरों के फिर से खुलने की खुशी मना रहे हैं, वहीं महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में भी गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 37 फिल्में और डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित होने के लिए लाइन में है, लेकिन अतिफा मोहम्मदी एकमात्र महिला अभिनेत्री है जिन्होंने हाल ही में बनी इन फिल्मों में से एक भूमिका निभाई है। एक कलाकार अब्दुल साबुर खिंजी ने कहा कि एक साल बाद सिनेमा के दरवाजे फिर से खुल गए हैं। हम खुश हैं। हमने अपनी पॉकेट मनी से फिल्मों पर खर्च किया है। मीडिया पोर्टल के अनुसार एक अन्य कलाकार फयाज इफ्तिकार ने कहा कि हम अपना काम करके खुश थे। काबुल निवासी जहरा मुर्तजावी ने एक महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह महिलाओं का अधिकार है। मुझे नहीं लगता कि महिलाओं की उपस्थिति के बिना कोई फिल्म अच्छी लगती है। बता दें कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद महिलाओं और लड़कियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। पाकिस्तान में लाहौर और पंजाब समेत कुछ प्रांतों में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। बाढ़ के कारण विभिन्न सब्जियों और फलों की कीमतों में भीषण उछाल देखने को मिल रहा है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान सरकार भारत से टमाटर और प्याज का आयात कर सकती है। बाजार के थोक व्यापारियों ने यह जानकारी दी। पाकिस्तान स्थित लाहौर बाजार के एक थोक व्यापारी ने बताया कि लाहौर के बाजारों में टमाटर और प्याज की कीमत क्रमशः 500 रुपए और 400 रुपए किलो है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में खाद्य पदार्थों की कीमतें और बढ़ेगी, क्योंकि बाढ़ के कारण बलूचिस्तान, सिंध और दक्षिण पंजाब से सब्जियों की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। प्याज और टमाटर की कीमत 700 रुपए प्रति किलो के पार हो गई है। अभी आलू की कीमत 40 रुपए किलो से बढ़कर 120 किलो हो गई है। इस बीच यह भी पता चला है कि सरकार वाघा सीमा के जरिए भारत से प्याज और टमाटर आयात करने के विकल्प पर विचार कर रही है। वर्तमान में लाहौर और पंजाब के अन्य शहरों में तोरखम सीमा के जरिए अफगानिस्तान से टमाटर और प्याज की आपूर्ति हो रही है। लाहौर मार्केट में बाढ़ के कारण शिमला मिर्च जैसी सब्जियों की भी बाजार में कमी हो गई है। दिक्कत यह है कि ताफान सीमा बलूचिस्तान के जरिए ईरान से सब्जियों का आयात करना उतना ही सरल नहीं है, क्योंकि ईरान सरकार ने आयात और निर्यात पर कर बढ़ा दिया है। फिलहाल अब देखना है कि यह कितना संभव हो पाता है, लेकिन वहाँ मुश्किलें काफी बढ़ गई है। तो बिगिन न्यूज के आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बिगिन न्यूज। नमस्कार।